सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का काम है ना मौत का खौफ। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों, अच्छे और बुरे के बीच में तो फर्क करना आसान है, लेकिन यहां तो दोनों ही बुरे हैं। 2022 की मच अवेटेड विक्रम वेदा का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया, और यकीन मानिए, ये टीजर नहीं देखा तो क्या ही देखा। 2017 में आई सुपरहिट तमिल फिल्म विक्रम वेदा में आर माधवन और विजय सेतुपति ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि लोगों के दिल जीत लिए। धमाकेदार टीजर के साथ ये तो कंफर्म हो गया कि ये फिल्म बहुत जल्दी सिल्वर स्क्रीन पर लौटने वाली है, मगर बिल्कुल नए अवतार और नए स्वैग में। तमिल मूवी विक्रम वेदा के हिंदी वर्जन में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान लीड रोल में है। इस मूवी से ऋतिक रोशन 3 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। वहीं देखा जाए तो ऋतिक की वापसी इस फिल्म से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। लगभग 1 मिनट 55 सेकंड का टीजर रोंगटे खड़े करने वाला है। टॉप लेवल का एक्शन, दमदार डायलॉगबाजी और थ्रिल से भरपूर ये टीजर सैफ और ऋतिक के फैंस के लिए एक बड़ी ट्रीट है। बात करें कैसा टीजर है, तो यूपी के बैकड्रॉप पर तैयार इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की पावर पैक परफॉर्मेंस तो नजर आ रही है, लेकिन उनका लुक भी लाजवाब है। एक और जहां ऋतिक रोशन कुर्ते और सनग्लासेस में विलन के रूप में कहर ढा रहे हैं, तो वहीं पुलिस के अवतार में सैफ का इंटेंस लुक भी जबरदस्त है। ऋतिक का ये रॉ एंड रेगेड लुक आपको सीटियां बजाने पर मजबूर कर देगा। फिल्म की कहानी अच्छाई वर्सेस बुराई के तर्ज पर तैयार की गई है। जहां फिल्म में ऋतिक रोशन विलन, तो वहीं सैफ अली खान पुलिस के रोल में नजर आए। टीजर देखकर यही लग रहा है कि ऋतिक अग्निपथ के बाद एक बार फिर ग्रे और नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले हैं, और वेदा के किरदार को उन्होंने आत्मसात किया है। टीजर लॉन्च के दौरान ऋतिक ने बताया कि ओरिजिनल फिल्म देखने के बाद से ही वो इस फिल्म को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब जाकर उनका ये सपना पूरा हुआ है। वहीं सैफ ऋतिक संग अपने काम करने के एक्सपीरियंस पर हंसते हुए कहते हैं कि काम के दौरान जो एक्सपीरियंस रहे हैं उस पर तो मैं पूरी किताब लिख डालूं। ऋतिक ने वेदा के स्वैग को खूबसूरती से पकड़ा है, और सैफ अली खान के किरदार पर बेशक और पत्ते खुलने वाले हैं। ये तो ट्रेलर में ही पता चलेगा कि इंस्पेक्टर विक्रम बने सैफ वेदा को कितना कम्पीट कर पाते हैं। वही बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, तो टीजर में फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की झलक मिली जो ओरिजिनल फिल्म से ही ली गई है। बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से किरदार और भी इम्पैक्टफुल लग रहा है, और काफी भयानक भी। देखा जाए दोस्तों, तो मंगलवार को टीजर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां मूवी की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। ऋतिक और सैफ का अटैक्शन देखने लायक था। टीजर देखने के बाद क्रिटिक्स ने तारीफों के पुल बांधे। ऋतिक रोशन सैफ अली खान के काम को सराहा गया। अब जब फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है, तो मुंह से बस यही निकलता है, व्हाट अ टीजर। सैफ और ऋतिक छा गए। विक्रम वेदा के टीजर को पब्लिक भी एपिक रिस्पॉन्स दे रही है। फिल्म को अभी से ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है। अब आप ही सोचिए, जब फिल्म का टीजर इतना धमाकेदार है, तो पिक्चर कितनी शानदार होगी। विक्रम वेदा की रिलीज का फैंस से इंतजार नहीं हो पा रहा है। मूवी 30 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मूवी में राधिका आप्टे, रोहित शरफ, शरीफ हाशमी, योगिता बिहानी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस मूवी के लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, मगर उन्होंने मना कर दिया, और बाद में ये रोल ऋतिक रोशन और सैफ अली खान को ऑफर हुई। वेल दोस्तों, आपको कैसा लगा टीजर? वेल मैं अपनी बात करूं तो मुझे टीजर में उतना कुछ मजा नहीं आया। वेल इसलिए क्योंकि मैंने फिल्म देखी है विक्रम वेदा, और इसीलिए मुझे ये जो कैरेक्टर है, जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है या सैफ अली खान का कैरेक्टर है, उतना मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि विजय सेतुपति एक माइंड ब्लोइंग एक्टर है। उनकी एक्टिंग एक अलग लेवल पर है। हालांकि सैफ अली खान की बात करें, तो उनके रोल में कुछ ज्यादा करने को नहीं है, तो उनका रोल थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही लगा। लेकिन ऋतिक रोशन के रोल में बहुत कुछ खेलने लायक था, और यहाँ ऋतिक रोशन थोड़ा बहुत मुझे अपनी परफॉर्मेंस, मतलब जो पहले हमने देखा है ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस, उससे थोड़े बहुत नीचे लगे। अब आपको क्या कहना है इसके बारे में? आपको कैसा लगा टीजर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज़।